हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ममता फैशन डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बताने वाले हैं। और देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है, इसके नीचे मैंने रखा है अस्तर को। और देखिए, हम इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है देखिए 4 इंच, और ये हमने लिया है 8.5 इंच। तो देखिए, हम क्या करेंगे, पहले हमें देखिए, हम इसको इस तरह से देखिए उल्टा करेंगे, और अब हमें यहाँ पर कॉर्नर पर सिलाई करनी है। ऊपर का पार्ट हमें खुला रखना है। तो चलिए, हम ये सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ये सिलाई कर ली है, और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। और देखिए, हमने ये सीधा कर लिया है, और अब हम फिनिशिंग के लिए यहाँ पे कॉर्नर पर सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ये सिलाई कर ली है, और अब हम इसको देखिए इस तरह से मोड़ना है, और फिर देखिए हमें एक मोड़ और करना है इस तरह से। इस तरह से हमें गोलाई कट करनी है। देखिए, इस तरह से मैं ये गोल कट कर लिया है, और अब हम देखिए क्या करेंगे। और देखिए, हमें क्या करना है, इस तरह से प्लेट लगानी है। देखिए, एक हम छोटी सी प्लेट लगाएंगे, और फिर इसके सामने देखिए इस तरह से लगाएंगे हल्की सी, और एक हम ये वाली प्लेट इस तरह से लगा लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने ये सिलाई कर ली है, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ये दोनों तैयार करने हैं। और अब देखिए, इस तरह से हमें ये सिलाई करनी है इसके ऊपर। तो चलिए, ये काम कर लेते हैं। और देखिए, अब हम इसलिए हम डिज़ाइन बनाएंगे इसका। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमने इस तरह का ये कपड़ा लिया है, और अब हम इसको देखिए इस तरह से करना है, और हमें ये कपड़े को उल्टा रखना है देखिए, और फिर हम इस पर सिलाई करेंगे। तो देखिए, सिलाई हमें किस तरह से करना है, इस साइड में करनी है और एक इस साइड में। तो फिर हम इसको सीधा करेंगे, तो इसलिए हमें ये उल्टी सिलाई करनी है। तो चलिए, ये कर लेते हैं। और देखिए, हमने ये सिलाई कर ली है, और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा हमने कर लिया है, और अब हम देखिए फिनिशिंग के लिए कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे तीनों पे। तो चलिए, ये कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई कर ली है, और अब हम देखिए इस तरह से ये प्लेट लगाना है हमें। एक हमें साइड में, और एक प्लेट हम इस साइड में लगाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, देखिए इसको हम देखिए इधर लगा लेंगे, और यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने ये लगा लिया है, और अब हम लगाएंगे इसका नेफा। तो देखिए फ्रेंड्स, नेफे के लिए हमने ये कॉटन की पट्टी ली है। इसको हम देखिए इस तरह से डबल करेंगे, और इसको हम उल्टा रखेंगे देखिए। और अब हम देखिए यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे, और थोड़ा सा हम इधर फोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं। और देखिए, अब हमें इसको सीधा कर लेना इस तरह से, और यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। और देखिए, अब हम ये डोरी लेंगे, और डोरी को देखिए इस तरह से हमें रखना है, और फिर हमें इसको इस तरह से पट्टी को देखिए इस तरह से करना है, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत बनी है ये धोती,
बहुत ही प्यारी बनी है। और अब हम इसकी बनाएंगे चोली, देखिए। और अब मैं बनाने वाली हूँ इसकी चोली, देखिए कितना सुंदर लुक आया है फ्रेंड्स। और अब हम इसकी बनाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स चोली के लिए हमने ये कपड़ा लिया है और इसके लिए मैंने देखिए अस्तर भी लिया है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमें डबल कर लेना है और एक हम और कर लेते हैं इस तरह से। देखिए थोड़ा सा हमें एक साइड को ऊपर रखना है, देखिए इतना सा हम ऊपर रखेंगे। और अब हम इसको देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। कर लिया कट। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम उल्टा करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से सीधा करके और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। और देखिए इस तरह से हमें कॉर्नर पर कट लगा लेने हैं, चारों कॉर्नर पर, ताकि ये फोल्ड अच्छे से हो जाए। और अब हम इसको इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इस पर फिनिशिंग के लिए सिलाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें पहले सिलाई कर लेनी है। और देखिए गाइस हमने ये इस तरह से सिलाई कर ली है। और अब हम देखिए यहाँ पर भी हम ये सिलाई कर लेते हैं। देखिए पहले हमें क्या करना है, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं एक बार। कर लिया फोल्ड। और अब देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा कट कर लेते हैं इस तरह से। और देखिए थोड़ा हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है और इस साइड में भी इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। और देखिए हमने ये पूरे में सिलाई कर ली है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हम इधर लगा लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये लगा लिया है। और देखिए अब हम इस तरह से जब पहनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा फ्रेंड्स। देखिए देखिए और इस तरह से हम देखिए इस तरह से लगाएंगे तो कितना सुंदर लुक आएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से बांध देंगे और बहुत ही सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। आपको ये वाली ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और ऐसी ही डिज़ाइनर ड्रेसों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो डाले वह आपके नोटिफिकेशन में आए। तो फ्रेंड्स आप इस तरह की ये ड्रेस बना के अपने लड्डू गोपाल जी को दिवाली पे पहना सकते हो, बहुत ही सुंदर लगती है। और मिलते हैं ऐसी ही ड्रेस को लेके। तो फ्रेंड्स राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।